फार्मास्यूटिकल्स, टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। ये जो स्टॉक है ये कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। चलिए अब हम इसके चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि ये कितना ऊपर गया है। ये देखिए, ये मैंने इसका चार्ट लगा के रखा है। अगर मैं बात करूँ टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स की, तो ये आपका जुलाई महीने से ऊपर जा रहा है, एकदम अप ट्रेंड में। कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है थोड़ा सा डाउन गया हो, लेकिन अगर हम इसका ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये ट्रेंड ऊपर की ही तरफ है। अगर मैं निफ्टी फार्मा की बात करूं, निफ्टी फार्मा, तो जो हमारा निफ्टी फार्मा जो इंडेक्स है वो भी ओवरऑल ऊपर ही रहा है। तो ये जो निफ्टी फार्मा है, ये सेक्टर जो है अभी बूम कर रहा है। इसी वजह से हमने ऐसा स्टॉक चूज़ किया है जो बूम करे। टोरेंट फार्मास्यूटिकल से काफ़ी बढ़िया कंपनी है, और आज जो मैं आपको कॉल देने जा रहा हूँ वो एक स्विंग ट्रेडिंग कॉल है, यानी कि पोजिशनल कॉल है। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें ना करें। मैं आपको इसमें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस बताऊंगा, इसका टारगेट बताऊंगा, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा, और मेनली हमें क्यों खरीदना चाहिए स्टॉक। तो हम इसमें कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा के देखेंगे जिससे कि हम समझ पाएँ कि ये स्टॉक क्यों एक वर्थवाइल बाय है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसमें एक सपोर्ट लेवल दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, अभी जो करंट लेवल है ये 2500 रुपये का है, मतलब जो आज क्लोजिंग हुई थी 16 मई को वो 2500 रुपये के आसपास हुई थी। और अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूँ तो इसका सपोर्ट जो है वो 2315 रुपये के आसपास आ रहा है, और जो सपोर्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए आप, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट बढ़िया है। ये पहली चीज़ हो गई हमारी। अगर मैं इसमें मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ तो मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करूँगा। अगर मैं इसमें 50 दिन का मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो ये देखिए, जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, स्टॉक उसी को टच करके एकदम आराम से ऊपर जा रहा है। और अगर अब मैं 200 दिन का मूविंग एवरेज लगाऊं, इसको भी मैं सिंपल ही रखूँगा। अगर हम चीज़ें सिंपल रखें तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए, 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उससे स्टॉक काफ़ी ऊपर चल रहा है, और जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है उसको टच करते करते आराम से ऊपर चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे एक बार टच किया। तो ये जो स्टॉक है ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को फॉलो करते करते धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है, पहला, अगर हम इसको ख़रीदते हैं तो, कि देखिए जो इसका सपोर्ट लेवल है 2300 के पे है, तो जो हमारा रिस्क है वो काफ़ी कम हो गया। अभी जो स्टॉक है उसका करंट लेवल 2500 रुपये है, और ये जो शेयर है अभी इसका सपोर्ट 2300 रुपये पे है, और ये 50 दिन के मूविंग एवरेज की लाइन को धीरे धीरे फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। अगर हम इस स्टॉक को ख़रीदेंगे तो हमारा रिस्क कम होगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल से नीचे जाना स्टॉक के लिए मुश्किल होगा, और ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है ये भी तोड़ पाना स्टॉक के लिए एक चुनौती होगी, इसलिए इसमें डाउनसाइड रिस्क कम है। तो जो मेरा पहला रीज़न था वो ये था कि जो सेक्टर का ट्रेंड है वो अप है। जब मैंने आपको निफ्टी फार्मा का चार्ट दिखाया था तो उसमें आपने देखा होगा कि निफ्टी फार्मा का जो सेक्टर है वो भी ऊपर ही जा रहा है, और जो हमारा स्टॉक है वो भी अप ट्रेंड में। तो चलिए अब हम अपना अगला इंडिकेटर देखते हैं लगा के टोरेंट फार्मा में। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ MACD, जिसको लोग MACD भी बोलते हैं। तो अगर मैं MACD की बात करूँ तो आप इसमें देखिए, इसमें जो हिस्टोग्राम है वो ऊपर जा रहा है। ये जो रेड वाली लाइन है ये 26 दिन का मूविंग एवरेज है,
और ये जो ब्लैक वाली लाइन है 12 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ये जो मूविंग एवरेज है 26 दिन का, इसको 12 दिन के मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दिया है अभी। तो जब भी ऐसा कोई क्रॉसओवर आता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो एक बाय सिग्नल होता है, और एट द सेम टाइम जो हिस्टोग्राम है ये भी ऊपर जा रहा है। जब जब ये जो बीच की लाइन है इसमें ये जो बार्स आ रहे हैं इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। जब जब ये हिस्टोग्राम ऊपर जाता है और ये सिग्नल मिलता है साथ में, तो बहुत ज़्यादा लाइकली होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाए। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर मैं बात करूँ फार्मा सेक्टर की तो वो भी ऊपर जा रहा है। अगर मैं टोरेंट फार्मा की बात करूँ तो ये भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। हमारे पास सिग्नल भी अच्छा है, जो हमारा रिस्क होगा वो भी अच्छा है। अगर मैं 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, अगर मैं इसको एक स्टॉप लॉस की तरह मान के चलूँ जो कि 2390 रुपये के आसपास है, तो यहाँ पे मेरी जो रिस्क है वो 100 रुपये की होगी, और जो अपसाइड पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। क्योंकि जब MACD जैसा इंडिकेटर हमें बाय सिग्नल दे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूँ तो वो भी अप सिग्नल ही दिखा रहा है। चलिए अब हम हिकेनएशी चार्ट्स पे चलते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है हिकेनएशी चार्ट होती क्या है, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हिकेनएशी चार्ट होती क्या है। देखिए, जो हिकेनएशी चार्ट होती है उसमें तीन टाइप की कैंडल्स होती है। एक ये डोजी टाइप की कैंडल होती है, जिसमें बॉडी बहुत छोटी होती है और जो इसकी टेल है वो बहुत लंबी होती है। दूसरी कैंडल होती है रेड, जिसकी बॉडी बड़ी रहती है, कभी कभी इसमें छोटी टेल मिल सकती है, टेल बड़ी भी मिल सकती है। और जो तीसरी कैंडल होती है वो है अप कैंडल होती है, जो बुलिश कैंडल जिसको हम बोलते हैं। तो एक ग्रीन कैंडल हो गई बुलिश, एक दूसरी जो कैंडल हो गई वो रेड कैंडल बेयरिश, और जो तीसरा कैंडल है वो है डोजी। तो जो डोजी है उसमें कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। डोजी यानी कि इनडिसीजन, ना बायर हावी है ना सेलर हावी है, स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। लेकिन जब जब हमें इस टाइप की बेयरिश कैंडल्स मिलती हैं और जब इस टाइप की बुलिश कैंडल्स मिलती हैं, तो ये हमें एक ट्रेंड बताती हैं। अगर बहुत सारी इस टाइप की बेयरिश कैंडल्स दिख जाएंगी हमें, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड है आपका वो डाउन है। और जब ऐसी बुलिश कैंडल्स मिलेंगी जिसमें ये जो कैंडल्स की लेंथ है ये बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप है और स्टॉक बुलिश है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था हिकेनएशी के बारे में। तो एक एवरेज ट्रेंड बताता है हमें। तो अगर मैं एक एवरेज ट्रेंड देखूं तो ये अभी अप है। तो एक हिकेनएशी भी एक हमारा बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ये भी बोल रहा है कि हमें ये शेयर खरीदना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम ये देख चुके हैं। अब मैं आ जाता हूँ बोलिंजर बैंड्स पे। देखिए, हम अगर अपनी रिसर्च को बहुत ज़्यादा सिंपल रखेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर मैं आपको 10 प्रकार के इंडिकेटर्स बता दूंगा, तो उसमें से कुछ बाय बोलेंगे कुछ सेल बोलेंगे। तो हमें मेनली जो है ट्रेंड पे फोकस करना है। क्योंकि स्टॉक गोज़ अप व्हेन द ट्रेंड इज़ अप, मतलब जब ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है तो स्टॉक पर ही जाते हैं ज़्यादातर समय। अगर मैं बोलिंजर बैंड की बात करूँ तो इसमें एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है। तो स्टॉक का जो प्राइस है वो मैक्सिमम टाइम इसी के अंदर ही रहता है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक के अंदर ही रहता है, बोलिंजर बैंड के अंदर ही रहता है स्टॉक का प्राइस। और ये जो बीच की लाइन है ये 20 दिन का मूविंग एवरेज है। यहाँ पे भी मैंने सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो मूविंग एवरेज है इस मूविंग एवरेज के भी ऊपर जो है स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसको भी मैं एक बाय सिग्नल की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। तो अब मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ। तो अभी जो हमने स्टॉक देखा टोरेंट फार्मा, तो उसमें हम देखते हैं कि हमें स्टॉक खरीदना क्यों चाहिए, यानी कि रीजंस टू बाय, व्हाई शुड बी बाय दिस स्टॉक। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, सेक्टर का जो ट्रेंड है वो अप है, यानी कि निफ्टी फार्मा जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। दूसरी चीज़, स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। MACD बाय सिग्नल दे रहा है, तो ये तीसरा प्लस पॉइंट है। स्टॉक जो है वो 50 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि बोलिंजर बैंड्स जो हैं वो भी बाय सिग्नल बता रहे हैं,
और जो मैंने अभी आपको एक हीगन ऐसी चार्ट दिखाई थी वो भी आपको बाय सिग्नल ही बता रहा है। तो इसी वजह से मैं ये स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ। अब आप देखिए इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस और टारगेट देख, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये एक पोजिशनल कॉल है, ये इंट्राडे कॉल नहीं है। तो इसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, इसको एक पोजिशनल ट्रेड की तरह लें जिसमें आप टाइम ड्यूरेशन जो है वो 15 से 18 दिन के बीच में रखें, यानी कि 2 से 3 हफ्ता। तो जो बाय है वो आप करंट प्राइस जो अभी था मार्केट का 2500 रुपये उसके आसपास कर सकते हैं, 20-25 रुपये इसके ऊपर भी अगर मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस जो है वो मैं लूँगा 2395 का, यानी कि जो हमारा 50 दिन का मूविंग एवरेज है वहाँ पे। और जो टारगेट है वो रहेगा मेरा 2815 रुपये, यानी कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 3:1 का, यानी कि अगर मैं 1 रुपये खोता हूँ तो मैं उसके बदले 3 रुपये कमाने की चाहत रखता हूँ। तो अगर मैं ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड रख के कोई शेयर खरीदूँगा तो अगर मुझे उसमें लॉस भी होगा तो वो कम होगा, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो वो बहुत ज़्यादा होगा। तो हमेशा जब भी ट्रेडिंग करें तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड का ध्यान रखें, और जो हमारा टारगेट है उसको हमें ध्यान रखना है और स्टॉप लॉस को भी मेंटेन करते हुए चलना है अगर हम इस स्टॉक में पोजिशनल कॉल लेते हैं। तो बस आज का जो स्टॉक था उसमें मैंने आपको काफ़ी इंडिकेटर्स बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल मिलते हैं। थैंक यू।